आप लोगों के कमेंट्स के थ्रू मैंने सुना है कि आपके हेयर की ग्रोथ रुक गई है, आपका हेयर फॉल बढ़ गया है, टाइम ही नहीं है आपके पास बालों पे ज्यादा ध्यान देने का, आप परेशान हो चुके हैं अपने हेयर्स को लेके, अपने हेयर फॉल को लेके। तो आज मेरा वादा है आप लोगों से, जो रेमेडी मैं लेके आई हूँ उसको जितना बनाना और जितना लगाना आसान है ना, उसका वर्क भी उतना ही ज्यादा आपको मिलेगा। और खास बात पता क्या है, अगर आपके बच्चे हैं तो आप इस रेमेडी को अपने बच्चों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इस रेमेडी को आप बनाने के बाद 1 मंथ तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। वीक में ये रेमेडी आपको 2 बार लगानी जरूरी है, तभी जाके ये रेमेडी आपके हेयर्स पे, आपके स्कैल्प पे अच्छे से वर्क करेगी, आपके हेयर की रीग्रोथ होगी, आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। 100 में से 99% महिलाओं का कहना है कि इस रेमेडी को लगाने के बाद उनका हेयर फॉल रुक गया है, उनके हेयर की रीग्रोथ हुई है, उनके हेयर पहले पतले थे अब उनके हेयर मोटे बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो है ना कमाल की रेमेडी, यही रेमेडी आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, रेमेडी लगाने के बाद आपको लगे कि रेमेडी ने वर्क किया है 1 मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, और हाँ नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर चलिए जल्दी से देख लेते हैं आखिर वो है कौन सी रेमेडी। उसके लिए आपको चाहिए होगा 1 कप, उसके अंदर आपको डालना है गर्म पानी। गर्म पानी डालने के बाद आपको चाहिए होंगे 2 ग्रीन टी चैसे। ग्रीन टी हर घर में अवेलेबल होगी आज के टाइम पे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन, उसके हेयर, उसकी हेल्थ और उसका मोटापा कम हो, है ना, चाहते हैं ना हर कोई। तो ग्रीन टी आपको मेरे ख्याल से आजकल हर घर में मिलेगी। दोनों ग्रीन टी के पाउच को गर्म पानी में डिप कर देना है आधे घंटे तक। आधे घंटे के बाद जब आप इसको देखेंगे, आपको दिखेगा कि जो पानी है वो सारा ग्रीन हो चुका होगा। ग्रीन टी की जो अच्छी अच्छी क्वालिटी है, जो अच्छे अच्छे गुण हैं, वो सारे के सारे मिक्स हो चुके होंगे पानी के अंदर। और अच्छे से इनको निचोड़ना है, निचोड़ने के बाद ये फेंकना नहीं है आपको। अगर आपको ड्राई सर्कल है, इन दोनों पाउच को आपको रखना है फ्रिज में आधे घंटे तक, उसके बाद निकाल के अपनी आइज पे रख लेना है। जैसे ही आप रखेंगे आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे और आपके ड्राई सर्कल धीरे धीरे करके ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल कि 1 चम्मच। 1 चम्मच इसके अंदर ये जो पानी है, ये जो ग्रीन टी का मिक्सचर है, इसके अंदर आपको ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको इसे एक स्प्रे बोतल में भर देना है। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि हमें कोकोनट ऑयल सूट नहीं करता, हमारे स्कैल्प पे इचिनेस आ जाती है, तो आप कोकोनट ऑयल को स्किप कर सकते हैं, आप सिर्फ ग्रीन टी का पानी ले सकते हैं, ये भी उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके हेयर्स के लिए। तो बताइए है ना आसान रेमेडी, बनाना कितना आसान है। और जब आप इसको लगाएंगे, फर्स्ट टाइम आप इसको लगाएंगे और 1 घंटे के बाद जब आप शैम्पू करेंगे और इसका जो रिजल्ट होगा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अभी के अभी लाइक करें, अभी के अभी शेयर करें, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बार इसको यूज करें, यूज करने के बाद वापस से वीडियो पे आएं, इस वीडियो पे आएं और वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक शेयर, और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा प्लीज़, क्योंकि ये बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है। लगाना कैसे है, वीक में 2 बार, हम 2 ही बार हेयर वॉश करते हैं वीक में, स्कैल्प पे लगाना है आपको इसको अच्छी तरह से मसाज करते हुए। अगर आप इसको ऐसे ही लगा के छोड़ देंगे, वर्क तो करेगा लेकिन उतना अच्छा नहीं करेगा। आपको मसाज करनी है धीरे धीरे, जेंटली 10 मिनट तक। आप मसाज करने से क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और ग्रीन टी की जो क्वालिटी, अच्छे अच्छे गुण हैं, वो आपकी स्कैल्प के, आपके हेयर की जड़ों के अंदर तक जाएंगे। और जो चीज़ अंदर तक, बिल्कुल जड़ों तक जाएगी, तो डेफिनेटली आपकी स्कैल्प हेल्दी बनेगी, आपके स्कैल्प की इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपका हेयर फॉल रुक जाएगा, आपके बेबी हेयर आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन आपको इसे रेगुलर यूज करना पड़ेगा 4 से 5 महीने तक, अगर आप चाहते हैं आपके हेयर की रीग्रोथ हो, आपके हेयर घने बने, आपके हेयर मोटे बने, तो इसे कम से कम 4 से 5 महीने तक यूज करें। और हाँ, इसकी खास बात यह है कि आप इसको बच्चों पे यूज कर सकते हैं, बूढ़ों पे भी यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी रेमेडी है। प्लीज गाइज एक बार इस रेमेडी को जरूर ट्राई करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके हेयर अच्छे दिखें, लॉन्ग बने, घने बने, हेयर फॉल रुक जाए,
तो या और हाँ, इसको फ्रिज में 1 मंथ तक आप स्टोर करके रख सकते हैं। खास बात ये भी है इसकी। ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आने के लिए। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपको एक और ऐसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बस पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें। बाय।